जाता है ताकि आपका कैमरे में गर्दा ना जाए और डिस्प्ले का किनारे किनारे लाइनिंग ना आए, बाद में खुले ना। आज हम Honor 7C का फोल्डर लगाना सीखेंगे, कैसे लगाया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है। देखिए ये पूरा टूटा हुआ है, इसका टच काम नहीं कर रहा है। इसका पूरा डिस्प्ले डालेंगे या कॉम्बो डालेंगे या फोल्डर, जो बोल लीजिए वही सब एक ही बोला जाता है, चाहे जो बोलिए। देखिए ये टूटा हुआ है पूरा, चलो इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए पूरा खुल रहा है, दिखा दे रहे हैं, इसका पूरा टच काम नहीं कर रहा है। देखिए पूरा खुल चुका है, देखिए इसका टच काम नहीं कर रहा है। देखिए दबाव एक काम कर रहा है, तो यही सब रहती है। चलो देखते हैं कैसे किया जाता है। ये सबसे पहले आप सिम इसका निकाल लीजिए, चुक कर सिम डाली। इसके बाद इसका नट बोल्ट यहाँ पर रहता है, यहाँ पर नहीं है, नट बोल्ट खोल लीजिएगा, 7C में रहता है, काफ़ी मोबाइल में नहीं रहती है। देखिए इसको ऐसे खोला जाता है, इसमें मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस मोबाइल में मशीन का ज़रूरत पड़ेगा उसमें बताएंगे कि इसमें मशीन लाए खोला जाएगा, जिसमें नहीं पड़ेगा उसमें बताएंगे कि नहीं उसमें नहीं पड़ेगा। देखिए खोलिए हैं, ये सब एक दरी रखना, नहीं तो आपका सामान इधर उधर हो जाएगा। नट बोल्ट जो खोलना एक दरी रखना ताकि बाद में लगा सको, नहीं तो नट बोल्ट ठहरा जाता है, बाद में दिक्कत पड़ने लगती है। देखिए इसका डिस्प्ले आराम से निकाल लें, टूटा है ही है, नवा लगाना है, इसका कोई नहीं मतलब है, किसी भी किनारे से आप उठा सकते हो, लगा सकते हो। देखिए आराम से इसको ब्लेड के माध्यम से एक किनारा उठाइए और ये पतला कागज़ डालिए या पन्नी डालिए जो पतला सामान हो। देखिए ऐसे आराम आराम से इसको अलग हो गया, तब अब इसको अलग करने के बाद इसका किनारे किनारे जो केमिकल लगा है उसको साफ कर लेना। देखे रहे ना, देखिए ये हमारा नया डिस्प्ले है। इसको सबसे पहले इसका ये टेप काट लें, जो किनारे किनारे है देख ले, देख रहे हो, इसको काट के निखार दीजिए, पूरा काट के निखारना है, नहीं तो कब गया थे आपका वो डिस्प्ले टूट जाएगा बाद में, या यहाँ से पानी चला जाता है, इसको पूरा निखारा जाता है। स्टिकर को स्टिकर निकाल लिए हैं, उसके बाद अगर यहाँ पन्नी लगी हो तो वहाँ निकाल लेना, इसमें पन्नी लगाने कोई ज़रूरत नहीं है, काहे काफ़ी लंबा सांस है, जब एकदम सट के रहता है तब लगाया जाता है, जब एकदम लगे रहता है। एक हल्का टेप लीजिए, वही टच के ऊपर लगा दीजिए, देखिए, ताकि टच अंदर में साट ना करे, यहाँ पर आके, यहाँ पर अगर टच करेगा तो सब एक में छू जाएगा, इसलिए टेप लगा देते हैं। अब इसको केमिकल लगाते हैं, चलो देखते हैं। ये केमिकल मिल जाता है हार्डवेयर की दुकान पर, जिसका नाम है फेविबॉन्ड। देखिए ये पूरा लग चुका है, कैमरे के इधर कर दे ताकि कैमरे में गर्दा ना जाए बाद में। देखिए ऐसे लगा देना चाहिए, नहीं तो बाद में कैमरे में गर्दा चली जाती है। अब इसको फोल्डर को कैसे लगाया जाता है देखिए, पहले इसको हला लीजिए, देखिए अब इसको आगे की ओर ही हल्का खींचिए, आगे के आगे से पीछे करना है, देखिए इतना पीछे है। अब इसको ऐसे बैठा के पीछे कर लेना है बस, अबे कब तो नहीं जाने वाला है, अपने दरी पे ही बैठेगा, सब साइज बाई साइज से आता है, कोई झमेला नहीं रहती है। अब इसका डिस्प्ले का पत्ता बैठा लें, बस बहुत ही आसान रहता है Honor का फोल्डर लगाना। देखिए अब इसको बैठा लें, अब इसका नट बोल्ट कस लें, नट बोल्ट लगा लेते हैं, जो जो निखारे हैं वो लगा लें। बैठा लिए हैं, उसके बाद अभी ढक्कन बैठा लें आराम से, देखिए आराम से बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, देखिए एकदम आराम से। उसके बाद सिमटाली लगा लें, उसके बाद देखिए या एकदम अच्छी क्वालिटी में आपका ये फोल्डर लग के तैयार हो गया। देखिए हमको पैटर्न मालूम नहीं, नहीं तो दिखा देते, देखिए एकदम ये सही है। कोई भी मॉडल हो आपका अच्छे तरीके से लगा दिए हैं, आप खुद देख के लगा सकते हो, देखिए सही है एकदम, ओके है। इसका पैटर्न बहुत लंबा है, अभी काफ़ी दिन से रखा हुआ है, अब कस्टमर आएगा अपना लेके जाएगा, एकदम पानी ये चल रहा है।
एकदम ओके रहेगा, हालिस ख़राब नहीं होगा या गिरेगा पड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो एकदम अच्छे से चलेगा ये, एकदम ओके है अभी ऐसा टच लगा देते हैं। देखिए रबड़ कोई कोई भी लगा दो, सब रबड़ एक ही काम करता है, टाइट नहीं लगाना है। अगर टाइट लगाओगे तो आपका डिस्प्ले टूटने का डर रहती है या लाइनिंग आने का डर रहती है। हाँ, ये 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे बाद ही खोलना है। अगर 2 घंटे बाद खोलोगे तो आपका डिस्प्ले बाद में लाइनिंग नहीं देगा, जो यहाँ से लाइनिंग दिखाई पड़ती है किनारे किनारे से, अगर 2 घंटा बाद खोलोगे तो लाइनिंग दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर आधे 1 घंटे में खोल दोगे तो ही बाद में 1 महीना बाद 2 महीने बाद आपका डिस्प्ले का लाइनिंग किनारे किनारे दिखाई पड़ने लगता है। देखिए हॉनर का 7C है, ऐसे लगता है। अब चलो, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।